लोहरदगा जिले में कोविड 19 के संक्रमण पर रोक लगाने को लेकर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। सदर अस्पताल अपने आप को अपडेट कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोहरदगा में ऑक्सीजन की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। अलग अलग वार्ड की स्थापना भी की गई है। कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान लोहरदगा में 88 लोगों की मौत हो चुकी थी। यह तो सरकारी आंकड़ा है, इसके अलावा निजी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में मरने वालों की संख्या काफी अधिक थी। अब स्वास्थ्य विभाग तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने को लेकर कदम बढ़ा रहा है। वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड, कंसंट्रेटर सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना स्वास्थ्य विभाग कर सके। जो भी कैजुअल्टी हुआ तो जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था, 40% से नीचे था, वही कैजुअल्टी हुआ। 40 से अगर जितना भी आया वो हम लोगों ने किया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर था, जेम्बो सिलेंडर है, और हम लोग पैक लैंडिंग भी कर लिए हैं। अभी हमारे पास वर्तमान में हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर 138 के आसपास था, जिसमें पल्स और हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर जो है 20 के आसपास हमारे यहाँ पर नेबुलाइजर है, 31 है, वेंटिलेटर 17 है, और बेड जो है बेड विथ वेंटिलेटर के साथ हमारा 12 है। टोटल ऑक्सीजन आईसीयू बेड जो है, हमने जो पूरा हॉस्पिटल बनाया है वो 64 के आसपास है। बेड विदाउट ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है उसको भी हम लोग रखते हैं, 30 है। टोटल हम लोग 158 रखते हैं। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारा ऑक्सीजन पाइपलाइन कनेक्शन हो गया है, वो कंप्लीट है। और जब भी ये जो थर्ड वेव आता है तो उसके लिए भी हम लोग बच्चों के लिए आईसीयू बना दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी तमाम सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। इसके लिए बच्चों के लिए आईसीयू की स्थापना की गई है, कंसंट्रेटर और दूसरी सुविधाओं को बेहतर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इसके लिए समीक्षा भी कर रहा है। विक्रम चौहान, ईटीवी भारत, लोहरदगा।